हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉल्यूशन वाला। तो जो हमारी सीरीज चल रही है सीजीएल 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जीएस की, आज उसका पार्ट 5 है। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर एंड बुक का एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन कर्नाटका एंड एस्टेब्लिश द कैपिटल सिटी विजयनगर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर डैश इन 1336। तो भाई ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि हरिहर एंड बुक का ने विजयनगर एम्पायर का सेटअप किया था, और मैंने ये भी पढ़ाया था कि विजयनगर एम्पायर की कैपिटल क्या थी, विजयनगर एम्पायर एम्पायर की जो कैपिटल थी वो थी हम्पी, और हम्पी को ही पहले बोल देते थे विजयनगर सिटी। तो उसने वही पूछा है कि भाई जब हरिहर और बुक्का ने जो ये शहर बसाया विजयनगर सिटी, ये कहाँ बसाया? तो ये भाई ये बसाया हमारा कहाँ पे, तुंगभद्रा रिवर के ऊपर। ठीक है भाई। अच्छा, अब विजयनगर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, तुंगभद्रा। अब विजयनगर एम्पायर के बारे में मोस्टली जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, कब सेटअप हुआ था, कैसे हुआ था, किसने बनाया था। ठीक है, लेकिन एक दो बातें और हैं जो बची हुई हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो भाई जो विजयनगर एम्पायर है हमारा, विजयनगर एम्पायर पहली बात तो ये कब से कब तक था, 1336 से लेके 1546 तक। ठीक है भाई, अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल किया। तो सबसे पहली जो हमारी डायनेस्टी आती है वो मैंने आपको पहले पेपर में क्वेश्चन कराया था कि हरिहर एंड बुक्का ने अपने पिताजी के नाम पे, जिनका नाम था संगम, उनके नाम पे एक डायनेस्टी स्टार्ट की थी, संगम डायनेस्टी। ठीक है भाई, तो ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है वो कौन सी है? तो भाई दूसरी है हमारी सलुवा डायनेस्टी। ठीक है भाई, तीसरी कौन सी है? तीसरी है तुलुवा। ठीक है भाई, और चौथी है हमारी अराविदु। ठीक है, तो ये जो चार डायनेस्टीज हैं ये विजयनगर एम्पायर की इंपोर्टेंट डायनेस्टी हैं। इनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? इनसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भाई तीन वो सही दे देगा, एक गलत दे देगा, और बताओ इनमें से कौन कौन सी डायनेस्टी है जिन्होंने विजयनगर एम्पायर के अंदर रूल किया है। अगर ये पूछ ले कि लास्ट रूलर कौन था विजयनगर एम्पायर का, तो जो लास्ट रूलर था वो था भाई रामराया। ठीक है, और मैंने आपको चोला एम्पायर का भी बताया था, चोला एम्पायर का कौन था? राजेंद्रा थर्ड। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, विजयनगर एम्पायर का था रामराया और चोला का था राजेंद्रा थर्ड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा क्या है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द इंडस्ट्रियल प्लांट विद इट्स लोकेशन। तो भाई ये चार इंडस्ट्रियल प्लांट्स दिए हुए हैं और ये पूछा हुआ है कि भाई ये कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो भाई ये जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं ये शॉर्ट फॉर्म में गिवन है हमें, पहले इनकी हमें फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो जो सबसे पहला हमें जो गिवन है बाल्को, इसका है भाई भारत ठीक है भाई भारत एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है भाई, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, और भारत एल्यूमिनियम कंपनी कहां पड़ती है भाई? ये पड़ती है कोरबा में, कोरबा, और कोरबा कहां है? छत्तीसगढ़। ठीक है भाई, और कई बार ये पूछ ले कि ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, तो ये हुई थी भाई 1965 के अंदर। ठीक है भाई, अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है? IISCO, IISCO ये क्या है? ये है हमारी इंडियन आयरन एंड स्टील, सॉरी आयरन, हाँ आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है भाई, और ये कहाँ पे हमारी? ये है हमारी बारनपुर, और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में। और अगर ये पूछ लिए ये कब सेटअप हुई थी, तो ये हुई थी हमारी 1918 में। ठीक है भाई, अब थर्ड हमसे पूछा हुआ है एनएफएल क्या है? ये है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, और ये कहां पड़ती है भाई? ये हमारी पड़ती है बठिंडा, पंजाब। और अगर पूछ ले ये कब सेटअप हुई थी, तो ये सेटअप हुई थी भाई हमारी 1979 में। अब फोर्थ हमारा क्या है? ICF,
ये तो आपने सबने सुना होगा, ईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रेलवे के हर डब्बे पे लिखा होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और ये कहाँ है? ये है चेन्नई, तमिलनाडु में। और ये कब सेटअप हुई थी? ये हुई थी हमारी 1995 के अंदर। ठीक है भाई, जितने भी रेल के नए डब्बे बनते हैं वो सारी आईसीएफ बनाती है, और सबसे एडवांस डब्बे बनाती है आईसीएफ। ठीक है भाई, तो ये चारों के चारों हो गए। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या है। बालको जो हमारा फर्स्ट था, फर्स्ट आएगा सी, तो वन का सी, सेकेंड का हमारा आ जाएगा ए, और तीन का आ जाएगा हमारा डी, और फोर का आ जाएगा हमारा क्या, बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो भाई सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, इनको नोट कर लेना, ये सीजीएल में डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। और जो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो जहां पे भी स्टैटिक जीके पूछी जाती है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वो चाहे सीसीएसएल, सीएचएसएल हो, डीएसएसबी हो, एनवीएस हो, या कोई भी पेपर हो, सब में स्टैटिक जीके काम आती है। तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये हर एग्जाम में काम आएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फॉर हाउ मेनी डेज इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड, कि भाई जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो कितने दिनों के लिए होता है। तो भाई सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हॉर्नबिल बिल फेस्टिवल है ये कितने दिन के लिए कहाँ पे मनाया जाता है। तो भाई ये मनाया जाता है हमारा नागालैंड में, और कितने दिन के लिए मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 दिन के लिए, 10 days। ठीक है भाई, कब से कब तक? 1 to 10 December। ठीक है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। ठीक है भाई, और नागालैंड को हम क्या बोलते हैं, नागालैंड को हम बोलते हैं लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। ठीक है भाई, ये चीजें इंपॉर्टेंट रखनी है, यहां से भी कई कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और जो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी ट्राइब्स हैं नागालैंड की वो सभी इकट्ठी होती हैं, और अपने अपने डांस और अपनी अपनी जो ट्राइब की जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है। ठीक है, अब नागालैंड का जिक्र आया है तो हमें कुछ नागालैंड के बारे में चीजें पता होनी चाहिए भाई। वो क्या क्या है? वो है हमें नागालैंड के सीएम पता होने चाहिए। ठीक है भाई, नागालैंड के गवर्नर, नागालैंड की लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, और स्टेट एनिमल। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखते हैं सीएम कौन है। तो सीएम है भाई नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो। ठीक है, और भाई गवर्नर है हमारे ला गणेशन। ठीक है भाई, और लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी है भाई? सिर्फ एक एक है। ठीक है, और अगर स्टेट एनिमल की बात करें तो स्टेट एनिमल है भाई मिथुन। तो ये चीजें जो है हमें नागालैंड की इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मूव्स द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वॉज लेटर अडेप्टेड एज द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भाई जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो किसने मूव किया था, जो बाद में क्या बन गया था, प्रेम्बल बन गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो भाई इसका सही आंसर सबको पता है क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही क्या किया था, हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। तो भाई हम एक काम करते हैं, अब बात आई है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम एक बार पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की टाइमलाइन देख लेते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ था, क्योंकि ये टाइमलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे हर पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता ही रहता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो आज हम क्या करते हैं, एक बार पूरी टाइमलाइन लिख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जो है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की टाइमलाइन क्या है। तो देखते हैं सबसे पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कब हुआ। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है भाई, 6 दिसंबर 1906 को क्या बना हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उसके बाद भाई अगली डेट आती है हमारी 9 दिसंबर 1946। इस दिन क्या हुआ था भाई,
इस दिन 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग, ठीक है भाई, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई इसके प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, जो सबसे सीनियर मोस्ट थे, और जो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस थे वो कौन थे भाई, वो थे जे बी कृपलानी, ठीक है भाई, ये याद रखना है। उसके बाद अगला हमारा क्या कब हुई थी भाई, फिर हुई थी 11 दिसंबर 1946, ठीक है भाई। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन प्रेसिडेंट चुने गए थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है भाई। और वाइस चेयरमैन किसे चुना गया भाई, वाइस चेयरमैन कमेटी का, तो जो वाइस चेयरमैन चुने गए थे वो थे हमारे हरेंद्र मुखर्जी, ठीक है भाई। और लीगल एडवाइजर, ठीक है भाई, लीगल एडवाइजर कौन थे हमारे, बी एन राव जी, ठीक है भाई। तो ये हमारी क्या हुई 11 दिसंबर तक। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया था भाई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई, 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है भाई। तो ये क्या हुआ था, इसको एज अ प्रीएम्बल एक्सेप्ट किया गया, ठीक है भाई। उसके बाद आता है हमारा 22 जनवरी के बाद आती है 22 जुलाई 1947, तो भाई 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग एक्सेप्ट हुआ था, नेशनल फ्लैग, ठीक है भाई। तो यहां तक की नोट करें, फिर आगे देखते हैं हम। तो भाई हम पहुंच चुके थे कहां पे, 22 जुलाई को, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, हमारा नेशनल जो फ्लैग था उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। उसके बाद आता है 15 अगस्त 1947, आपको पता है सबको क्या हुआ था, भारत को आजादी मिली थी, इंडिपेंडेंस, ठीक है भाई। 15 अगस्त के बाद जो अगली हुई थी वो हुई थी हमारी 29 अगस्त 1947, और ये भी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, इस दिन ड्राफ्टिंग कमेटी, और चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है भाई। 29 अगस्त आ गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट है 16 जुलाई 1948, तो भाई इस दिन क्या हुआ था, 16 जुलाई 1948 को इस दिन क्या हुआ था भाई, जो हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे उनके साथ साथ एक सेकंड और किसी को हमारा वाइस चेयरमैन बनाया गया था, तो वो किसको बनाया गया था, वी टी कृष्णमाचारी, उसके बाद जो अगली डेट आती है हमारी वो है 26 नवंबर 1949, ठीक है भाई। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, इस दिन जो हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो पास कर लिया गया था और उसको अडॉप्ट कर लिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड एंड अडॉप्टेड, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद आती है हमारी 24 जनवरी 1950, इस दिन लास्ट मीटिंग थी, सबके साइन हुए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो साइंड किया गया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल कितने थे, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स, ठीक है, और भाई 22 पार्ट्स के साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो पास हो गया था। अब लास्ट डेट जो आती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की, 26 जनवरी 1950, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फोर्स में आ गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर दिया गया था, ठीक है भाई। अच्छा, ये इसको बनने में कितना टाइम लगा, 2 साल, ठीक है भाई, 2 साल 11 महीने और
18 दिन, और टोटल बनाने में कितना खर्चा आया, इसको बनाने में खर्चा आया 6.4 मिलियन का। तो ये थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी टाइमलाइन, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस टाइमलाइन को एक पेज पे लिखे और अपने रूम में लगा ले ताकि आपको ये याद रह सके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, और इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस अराइजेस फ्रॉम ट्रांसिएंट डाइपोल्स इन एटम दैट इंड्यूस ट्रांसिएंट डाइपोल इन नियर बाय एटम्स प्रोड्यूस इन अट्रैक्टिव फोर्स एंड आर सिग्निफिकेंट ओनली ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। ठीक है, तो भाई जो ये क्वेश्चन है दिखने में बड़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं। इस क्वेश्चन को मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। सबसे पहले इसने क्या पूछा है, ट्रांसिएंट डाइपोल का इसने जिक्र किया है। तो ट्रांसिएंट डाइपोल होते क्या है, सबसे पहले डाइपोल क्या होता है, एक एटम है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव भी चार्ज होता है। ठीक है, तो जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है ना, इसको एक डाइपोल बोल देते हैं कि भाई एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, मतलब दो पोल्स मतलब डाइपोल्स। ठीक है, तो भाई कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो परमानेंटली पोलर होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है, और कुछ होते हैं नॉन पोलर जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, या उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रॉपरली बाउंडेड होते हैं, तो उनमें चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। तो जिनमें चार्ज प्रेजेंट होता है उनको हम बोल देते हैं पोलर, और जिनमें नहीं होता उनको बोल देते हैं नॉन पोलर। ठीक है भाई, अब ट्रांसिएंट डाइपोल्स की बात करते हैं हम। ट्रांसिएंट डाइपोल क्या होते हैं, जो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल इधर उधर पड़े हैं, ठीक है, और इनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, मान लो ये पॉजिटिव है और इसने अच्छे से अपने चारों तरफ जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको बाउंड किया हुआ है। लेकिन फॉर एन इंस्टेंस क्या होता है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये थोड़ा इधर चला जाता है और ये चारों नेगेटिव इधर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, इन्हीं की इनके इकट्ठे होने की वजह से जो ये दूसरा नॉन पोलर है इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस साइड खींच जाएंगे। ठीक है भाई, तो इसको क्या होगा, इस जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है ना दो चार्जेस के बीच की, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये इसको इधर खींच लेंगे पॉजिटिव को और नेगेटिव को इधर। ठीक है, तो ये जो क्रिएशन हो जाती है ना इसके बीच की जो फोर्स है वो पूछ रखी है, क्या फोर्स है, तो इस फोर्स को हम बोल देते हैं भाई लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, तो ये लंदन डिस्पर्जन फोर्स हो जाती है भाई। ठीक है, और क्या पूछा है इसने, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पूछ रखे हैं। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या हो जाएंगी कि भाई डाइपोल डाइपोल क्या होता है कि मान लो ये क्या है, ये पोलर है, ठीक है, ये पोलर है दूसरा भी पोलर है। ठीक है, तो ये जो दो पोलर एलिमेंट्स होते हैं ना ये जब आपस में एक दूसरे को खींचते हैं तो उसको हम बोल देते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, फिर एक पूछ रखा है इसने डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, तो इसमें क्या होता है जब एक नॉन पोलर के पास एक पोलर आ जाता है और इसकी वजह से जो नॉन पोलर है उसके अंदर डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाता है तो उसको हम डाइपोल 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 इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बोल देते हैं। और सी हमारे पास क्या है, सी है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है भाई, हाइड्रोजन है ना ये बॉन्ड किसके साथ बनाते हैं, हाइड्रोजन या तो बनाएगा ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन या फिर बनाएगा फ्लोरीन के साथ। ठीक है, वो हाइड्रोजन कभी कभी किसके साथ बना लेता है, या क्लोरीन के साथ भी बना लेता है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो जब ये हाइड्रोजन अपनी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ना तो इसी हाइड्रोजन की बॉन्ड फॉर्मेशन को हम बोल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू फर्स्ट फाइव ईयर प्लान या फिर सैलरीज एंड पेंशन। तो इसने पूछा गया है कि भी जो प्लान का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिक्र किया है इसने प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसने ये पूछा है ये किससे रिलेट करता है, ये फाइव ईयर प्लान से रिलेट करता है या सैलरीज एंड पेंशन से रिलेट करता है। तो भाई डायरेक्टली प्लान का नाम है तो ये किससे रिलेट करेगा, फाइव ईयर प्लान से। ठीक है, और प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि भाई एक फाइव ईयर प्लान के दौरान जब वो फाइव ईयर प्लान चल रहा था उसके दौरान हमने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की है या जो एक्सपेंडिचर किया है उसको हम बोल देते हैं प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो प्लान एक्सपेंडिचर होता है ना, सरकार क्या करती है जब भी फाइव ईयर प्लान पास होता है तो दो एक्सपेंडिचर बनाती थी पहले, क्या बनाती थी, एक तो प्लान एक्सपेंडिचर होता था
और दूसरा जो एक्सपेंडिचर होता था वो जो नॉर्मल हमारे देश को चलाने के लिए एक्सपेंडिचर चाहिए वो अलग से रखती थी, ठीक है, जिसमें सैलरीज भी देनी होती थी और भी जो इंपॉर्टेंट काम होते थे देश के अंदर जो जरूरी होते हैं, जो फॉरेन इन्वेजन से बचाना या नॉर्मल जो देश को रन करने के लिए एक्सपेंडिचर चाहिए होता है उसको अलग रखते हैं और प्लान एक्सपेंडिचर को अलग रखते हैं। और जो प्लान एक्सपेंडिचर है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है किसके अंदर, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो जो सरकार खर्चा करेगी प्लान के दौरान जिससे आगे हमें फर्दर रेवेन्यू मिलता रहेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट है वो कैपिटल गेन करेगी। तो चलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ओनली वन 5 ईयर प्लान। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द स्कीम श्रेष्ठा फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। तो भाई श्रेष्ठा स्कीम पूछा है किसने लॉन्च की थी, तो श्रेष्ठा स्कीम पढ़ लेते हैं क्या है श्रेष्ठा। तो भाई जो ये श्रेष्ठा है ये शेड्यूल कास्ट जो बच्चे थे एससी वाले बच्चे, कौन से बच्चे, 8th to 10th के, ठीक है, इनको किसके लिए, इनको स्कॉलरशिप देनी थी, स्कॉलरशिप्स देने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। और कितने, 3,000 बच्चों का टारगेट लेके चला गया था, 3,000 स्टूडेंट्स, ठीक है, और इनकी फैमिली इनकम जिनकी 2.5 लाख से कम है भाई। अब देखो स्कीम्स दे रही है कौन, दे रही है तो कौन सी गवर्नमेंट करेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये स्कीम चलाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है भाई। अगर इसके द्वारा चलाई गई है तो कौन होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, कि इन्होंने स्टार्ट की थी विजेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार, ये कौन है, यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, ठीक है भाई। तो ये ध्यान में रखना है कि जो श्रेष्ठा स्कीम है किस लिए चलाई गई थी, और इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वीरेंद्र कुमार जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। और कई बार ये भी पूछ लेगी भाई ये स्कीम चलाई कब गई थी, तो भाई ये स्कीम जो थी ये 3 जून 2022 को स्टार्ट की गई थी भाई ये स्कीम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 वर हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो भाई कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का पूछा हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, तो भाई 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम थे वो हमारे हुए थे कहां पे, गोल्ड कोस्ट, और ये कहां पड़ता है भाई, ये पड़ता है हमारा क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है भाई। उसके बाद 2018 की हमने बात की, अगर ये पूछ ले कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कब स्टार्ट हुए थे, तो ये स्टार्ट हुए थे भाई 1930 के अंदर। और कॉमनवेल्थ गेम्स मनाए क्यों जाते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स मनाए जाते हैं कि भाई जिस जिस कंट्री के अंदर ब्रिटिशर्स ने रूल किया है ना, वो सभी कंट्री क्या करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में आगे पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ एक मोजाम्बिक्यू को हम छोड़ देते हैं, तो बाकी सारे के सारे कंट्री जहां पर, जहां तक ब्रिटिश एम्पायर फैला हुआ है, वो सब जो फैला हुआ था, तो जहां 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 भी ब्रिटिश एम्पायर ने रूल किया है वो सारे के सारे कंट्रीज कॉमनवेल्थ गेम्स को खेलते हैं। अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि लेटेस्ट ये कब हुए हैं, 2022 में हुए हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वाले, तो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, ये कहाँ हुए थे भाई, ये हुए थे हमारे बर्मिंघम, बर्मिंघम लंदन, सॉरी लंदन इंग्लैंड, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। अच्छा भाई अब ये पूछ ले इसके अंदर कि भाई सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते थे, सबसे ज्यादा मेडल जीते थे ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया ने कितने, 178 मेडल जीते थे। अगर इंडिया का पूछ ले तो भाई इंडिया की थी 4th पोजीशन, ठीक है, और ये पूछ ले कि भाई कितने कितने मेडल्स जीते थे टोटल इंडिया ने, ठीक है, तो भाई इंडिया ने जीते थे टोटल 61 मेडल्स, ठीक है भाई, जिसके अंदर 22 थे हमारे गोल्ड, ठीक है, 16 थे सिल्वर, और जो 23 थे वो ब्रोंज थे। तो भाई ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वॉज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गोल टू मार्क द
तो 100 डे काउंटडाउन टू द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022। तो भाई 2022 का जो योगा डे था ये क्या मनाया गया था 100 दिन के लिए? तो भाई 100 दिन के लिए क्या मनाया गया था? योगा महोत्सव मनाया गया था, योगा महोत्सव। ठीक है भाई, 100 दिन के लिए अलग अलग जगहों पे, 100 जगहों पे 100 दिन के लिए, और 100 अलग अलग जो थी कम्युनिटीज उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है भाई, उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई योगा अगर डे का आया तो योगा डे हमारा कब होता है? योगा डे होता है हमारा 21 जून को। ठीक है भाई, मनाना कब स्टार्ट किया गया था इंटरनेशनल योगा डे? इंटरनेशनल योगा डे कब मनाना स्टार्ट किया था? 2015 से स्टार्ट हुआ था भाई, और 21 जून को मनाया जाता है ये। अब जो अब एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई थी योगा डे पे? योगा डे पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई थी कि भाई फर्स्ट टाइम इंडिया के बाहर एक योगा यूनिवर्सिटी खुली थी। तो फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड की फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी है जो इंडिया के बाहर है वो हमारी कहाँ पे है? वो है हमारी लॉस वेगस में। ठीक है भाई, लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस। तो लॉस एंजलिस कहाँ पड़ता है? यूएसए में। और अगर ये पूछ ले कि इसका नाम क्या है तो भाई इसका नाम है स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी ऑफ योगा। ठीक है भाई, और ये बनी कब थी? तो ये बनी थी हमारी 23 तारीख को, 23 जून 2020 को। ठीक है भाई, तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड अंडर द एपीएमजे सेहत स्कीम? तो भाई जो एबीपीएमजे सेहत स्कीम है इसके अंदर 100% हाउस होल्ड किसके कवर हुए थे? तो ये स्कीम चली कहाँ थी? एपीएमजे सेहत जो ये स्कीम थी ये हमारी चली थी जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सांबा, जे एंड के। और इस स्कीम में था क्या भाई? इस स्कीम में जो था, इसकी पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है भाई हमारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आयुष्मान योजना। तो वही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयुष्मान योजना इसका जो है वो नाम है। ठीक है, जन आरोग्य योजना, आरोग्य योजना। तो भाई अब ये चलाई गई थी जम्मू कश्मीर में, इसके अंदर था क्या? इसके अंदर ये था कि भाई 5 लाख का जो है हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस कितना? 5 लाख रुपए का। तो ये ध्यान में रखना है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सांबा, जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोप्रिएशन बिल 2022 वाज पास्ड इन लोकसभा ऑन। तो भाई जो अप्रोप्रिएशन बिल 2022 का है वो लोकसभा में कब पास हुआ था? तो भाई ये पास हुआ था हमारा 24 मार्च को, 24 मार्च। ठीक है, 24 मार्च 2022। और जो अप्रोप्रिएशन बिल होता क्या है? ठीक है भाई, तो अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है कि जब भी सरकार को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसे विड्रॉ करने होते हैं तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है भाई। ठीक है, और एप्रोसिएशन जो बिल है ये कौन से आर्टिकल के अंडर आ जाता है? तो ये आ जाता है आर्टिकल नंबर 114, जिसमें ये लिखा हुआ है कि देश का खर्च चलाने के लिए जो सरकार है वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसे विड्रॉ कर सकती है। ठीक है भाई, और इस एक्ट जो एप्रोप्रिएशन बिल है इसका एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि ये पार्लियामेंट में पास किया जाता है, लोकसभा में पास किया जाता है, और राज्यसभा से पास करवाना जरूरी नहीं होता। राज्यसभा में सिर्फ इसको भेजा जाता है, वो अपना इसके ऊपर कंसेंट उनका जरूरी नहीं होता, वो अपने अगर इसको कुछ इसमें चेंजेस करने हैं वो बता सकते हैं, लेकिन इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये मनी बिल की कैटेगरी में आ जाता है। और मनी बिल सिर्फ कहाँ से पास होते हैं भाई? लोकसभा से पास होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसके अंदर क्या होता है? इसमें ऑटो रिपील क्लोज लगा होता है कि भाई जब उस पैसे जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है ना कि भाई अब हाँ देश के पास पैसा है पूरी अपनी जरूरतें चलाने के लिए, तो ये अपने आप हट जाएगा, फिर गवर्नमेंट दोबारा से बिल लाना पड़ेगा। ये नहीं है कि पुराने वाले बिल की हेल्प से ही वो कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकलवा लेगी। ठीक है भाई, और एक और चीज है, अगर ये बिल फेल हो जाता है ना लोकसभा में तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। अच्छा, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात आई है, तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ये कौन से आर्टिकल में गिवन है? तो ये आर्टिकल में गिवन है भाई 266(1).
ठीक है भाई, जो सोसाइटल क्लोज वन आर्टिकल जो है उसके अंदर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया गिवन है, 266 में बाकी दो और कंसोलिडेट जो फंड्स हैं वो गिवन है, तो भाई इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका आंसर हमारा होगा 24 मार्च 2022। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज, कि भाई जब मान लो एक रिवर है, ये जो रिवर ये सीधी चल रही है ऐसे, ठीक है, तो फिर क्या करेगी ये, ऐसे ट्विस्ट करेगी, ठीक है, और ये ऐसे टर्न करके ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, तो जो ये इसने ऐसे बेंड बनाया है ये वाला, इस बेंड को क्या बोलते हैं ये पूछ रखा है, ठीक है भाई, तो इस बेंड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेंडरस, मेंडर्स, ठीक है। जब एस एस शेप का होता है भाई, एस शेप ये दिख रही है ना आपको यहाँ से यहाँ तक, कि जो ये शेप है ऐसे एस, जब ये एस शेप बन जाती है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मेंडरस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेंडरस। अब दिया हुआ है ऑक्सबो, ये भी हमें पता होनी चाहिए टर्म्स, दोबारा भी सीजल कभी भी पूछ सकता है, तो ऑक्सबो क्या होता है, अब ये रिवर है, ठीक है, ये ऐसे चलेगी, लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में कोई ना कोई रुकावट आई और इस रिवर ने फिर सीधा बहना स्टार्ट कर दिया ऐसे, ठीक है, तो इसके बीच में जो ये यू शेप का कट बन गया ना, कि पहले तो रिवर ऐसे बह रही थी, ठीक है भाई, और फिर क्या हुआ, रिवर सीधी बहनी स्टार्ट होगी, सीधी की सीधी चली गई, तो जो ये यू शेप का कट बन गया इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सबो, यू शेप। उसके बाद आता है हमारा फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स क्या होता है, जो भाई नदी के आसपास का प्लेन एरिया होता है उसको हम फ्लड प्लेन बोल देते हैं, और लीव्स क्या होता है, तटबंधन, तटबंधन का पता ही होगा कि भाई नदी के आसपास जो वो वॉल सी बनाई जाती है जिससे कि क्या हो, अगर फ्लड की सिचुएशन आए तो नदी से पानी बाहर ना निकले, तो जो ये पूरी बाउंड्री रिवर की होती है इसको हम बोल देते हैं लेवेस। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं, विसर्प लिखा हुआ है, तो जब सांप की तरह नदी चलेगी उसको हम बोल देते हैं मेंडरस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीजन इज शरदुल सेलिब्रेटेड इन झारखंड, कि भाई झारखंड का एक बहुत अच्छा त्यौहार है सरहुल, तो इसको कब मनाया जाता है, तो भाई सरहुल मनाया जाता है हमारा स्प्रिंग में, स्प्रिंग, ठीक है भाई, स्प्रिंग में ये होता है, ये क्या करता है, ये याद दिलाता है, ये रिमाइंडर होता है कि नया जो नया साल है वो स्टार्ट होने वाला है, और कहाँ मनाया जाता है ये, झारखंड के अंदर, ठीक है भाई, झारखंड के अंदर ये मनाया जाता है। अच्छा, और सरहुल का क्या है कि भाई ये 3 दिन चलता है, ठीक है, 3 दिन चलता है, और कब से स्टार्ट होता है, ये चैत्र पूर्णिमा से स्टार्ट होता है, चैत्र पूर्णिमा, ठीक है। तो भाई अब झारखंड का नाम आया तो हमें झारखंड की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, कौन कौन, झारखंड के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ठीक है, यहाँ का लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, तो भाई झारखंड के सीएम कौन है, झारखंड के सीएम है हमारे हेमंत सोरेन, ठीक है, और भाई यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, तो भाई लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे 14 और राज्यसभा की सीटें हैं 6, और अगर पूछ ले एनिमल, स्टेट एनिमल, तो भाई ये है एलिफेंट और बर्ड है कोयल, ठीक है, तो ये चीजें झारखंड की याद रखनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड इंग्लिश कंपनी इन बैटल ऑफ प्लासी 1757, तो भाई 23 जून 1757, ये दिन तो भारत के इतिहास में अमर रहेगा, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, जो साम्राज्य मुगल्स का खत्म हो गया था, और कौन आया था भाई, ब्रिटिशर्स आ गए थे, ठीक है, बोल सकते हैं मुगल्स का साम्राज्य तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की जो थी वो एंट्री हो गई थी भारत के अंदर, इससे उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। तो देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है भाई, जो ये बैटल ऑफ प्लासी हुई थी ये हुई थी 23 जून 1757 को, ठीक है भाई, और ये कहाँ पे हुई थी भाई, ये कोलकाता के पास हुगली रिवर, हुगली रिवर के बैंक्स पे हुई थी भाई, और किसके बीच हुई थी भाई, ये रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव जो रिप्रेजेंट किसको कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स, और किसके साथ लड़े थे, ये लड़े थे भाई सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ये कहाँ के नवाब थे, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है भाई। अब इस लड़ाई की एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, 3000 सैनिक थे सिर्फ किसके,
ब्रिटिशर्स के, रॉबर्ट क्लाइव के पास और सिराजुद्दौला के पास कितने सैनिक थे? 50,000 सैनिक थे भाई। 50,000 सैनिकों को 3,000 सैनिकों ने हरा दिया था। किस वजह से? क्योंकि मीर जाफर जो क्या था, सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसने गद्दारी कर दी थी, रॉबर्ट क्लाइव ने उसको घूस दी थी और वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था और क्या हुआ था, हम ये लड़ाई हार गए थे। और इसके बाद जो, और सिराजुद्दौला के साथ में फ्रेंच भी थे भाई, फ्रेंच भी थे सिराजुद्दौला के साथ। 50,000 सैनिकों को 3,000 सैनिकों ने हरा दिया था। यही है वो जो भारत के साथ हमेशा से होना होता है कि भाई हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी तो कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो देखिए 3,000 ने 50,000 को किस तरह से हराया था इस लड़ाई के अंदर। और यहीं से क्या हुआ था भाई, ब्रिटिशर्स का जो हमारे इंडिया के ऊपर था प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया था, एक तरह से रूल ब्रिटिशर्स का स्टार्ट हो गया था। तो चलिए देखते हैं इसके, इस लड़ाई के एंड में क्या हुआ था भाई, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था और फ्रेंच को मार मार के भगा दिया गया था। और भाई जो सिराजुद्दौला था वो भी भाग गया था इस लड़ाई के बाद। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, रॉबर्ट क्लाइव। तो अगला है, व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ अर्थ, कि भाई जो अर्थ की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी थिकनेस क्या होती है। तो भाई अर्थ की कितनी लेयर होती है, अर्थ की सबसे पहले ऊपर होती है क्रस्ट, ठीक है भाई, उसके बाद होती है मेंटल, उसके बाद होती है इनर आउटर कोर, फिर होती है इनर कोर, ठीक है भाई। तो इसने पूछा है कि भाई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्रस्ट भी दो तरह की लेके चलते हैं हम, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसके ऊपर हम रह रहे हैं और एक ओशियनिक क्रस्ट। तो भाई इसने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की पूछे, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की होती है 30 किलोमीटर, ठीक है भाई। और अगर ओशियनिक क्रस्ट की पूछ ले तो ओशियन जो सी बेड होता है वो हमसे काफी नीचे होता है, तो उसकी कम होती है, उसको हम लेके चलते हैं कि भाई 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के बीच में होती है ओशियनिक क्रस्ट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रूलर प्रोसीजर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द दिल्ली सल्तनत, भाई दिल्ली सल्तनत के बीच में ये शासक और पूर्वाधिकारी का जो ये दिया हुआ इन्होंने, इसमें से कौन सा सही है, ठीक है भाई। तो देखते हैं भाई कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है भाई अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा है भाई गियासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद तुगलक, या फिर भाई जलालुद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो भाई इसके अंदर तो ये तीनों सही है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इन्होंने गलत किया हुआ है, यहाँ पे ये होना चाहिए कि भाई नॉट करेक्ट, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है भाई, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि खिलजी जो वंश था उसकी स्थापना की थी और अलाउद्दीन खिलजी इसका नेफ्यू था। बाकी बिल्कुल सही है कि भाई क्या हुआ था, सबसे पहले कौन था, किसने स्टार्ट किया था, गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश स्टार्ट किया था, और तुगलक गियासुद्दीन तुगलक के बाद कौन था, मोहम्मद तुगलक, फिर जलालुद्दीन, फिर उसके बाद कौन था भाई, उसके बाद था मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है भाई। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इसमें गड़बड़ करी हुई है भाई, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी, ए आंसर। तो अगर हम दिल्ली डायनेस्टी की बात करें तो दिल्ली डायनेस्टी भाई कैसे स्टार्ट हुई थी देखते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली में कौन सी डब्बो आई थी, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है भाई। जो स्लेव डायनेस्टी थी ये कब से कब तक थी, 1206 से लेके 1290 तक। उसके बाद भाई कौन आया था सेकंड नंबर पे, किसका नाम दिया हुआ है, खिलजी का। तो खिलजी डायनेस्टी सेकंड नंबर पे आई थी और खिलजी की स्टार्टिंग किसने की थी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है भाई। और जो खिलजी वंश था ये कब से कब तक चला भाई, ठीक है, 1290 तक था ये भाई हमारा, 1290 से लेके ये चला हमारा 1320 तक। उसके बाद तीसरी कौन सी सल्तनत आई भाई दिल्ली के अंदर, खिलजी के बाद, खिलजी के बाद आई थी भाई हमारी कौन सी, तुगलक, ठीक है भाई। और तुगलक किसने स्टार्ट किया था, तुगलक वंश हमारा जो स्टार्ट किया था वो गियासुद्दीन ने किया था, गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है भाई। और तुगलक ने कब तक राज किया भाई, तुगलक ने किया है 1320 से लेके 1414 तक, ठीक है भाई। चौथे नंबर पे कौन आया, चौथे नंबर पे आए सैयद, सैयद, ठीक है भाई, सैयद सल्तनत। और इसका सैयद जो सल्तनत था इसकी स्थापना किसने इसकी की थी भाई, खिज्जर खान ने, खिज्जर खान, ठीक है। और ये कब तक थे, ये थे हमारे 1400 से लेके 1450 तक, ठीक है। और भाई सैयद के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी सबसे एंड में,
तो भाई एंड में जो हम लेके चलते हैं हमारी, ये हमारी आई थी लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी, और लोदी डायनेस्टी कब तक थी भाई? ये थी 1450 से लेके 1526 तक। और ये किसने स्टार्ट की थी? ये की थी बहलोल लोदी ने। और इसके बाद कौन आ गया था भाई? इसके बाद मुगल परचम लहराया था, मुगल सल्तनत, ठीक है, किसने? बाबर ने। कब? 1526 में दिल्ली के अंदर एंट्री हो गई थी। तो ये सारी दिल्ली की सल्तनत है, ये आपको ऐसे ही लाइन वाइज याद रखनी है। पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है किसने स्टार्ट किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द लेटर एम स्टैंड फॉर इन एमआरटीपी एक्ट 1969। तो भाई ये एमआरटीपी एक्ट में एम का क्या मतलब है, ये पूछा हुआ है। तो भाई सबसे पहले हम देख लेते हैं एमआरटीपी एक्ट है क्या, ठीक है भाई। तो ये है मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है भाई। तो ये कब? 1969 में आई थी। तो भाई इसका यहां से डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोनोपोली, ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये क्या करती थी? ये क्या करती थी? किसी भी मार्केट के अंदर जो ट्रेड के अंदर मोनोपोली या जो व्यापारी करते थे आपस में साठ गांठ करके क्या करते थे? स्टॉक मार्केट को चेंज कर देते थे, ठीक है। तो उसको प्रिवेंशन के लिए जो मोनोपोली एंड जो ये थी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी ट्रेड के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या किया था भाई? इस एक्ट को खत्म कर दिया गया था। और इस एक्ट को खत्म करके क्या बनाया गया था? कॉम्पिटिशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट लाई गई थी भाई इसको सुधार के, ठीक है। ये कब लाई गई थी? ये लाई गई थी 2009 के अंदर, ठीक है भाई। अच्छा, अगर कई बार इससे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि भाई कौन सी कमीशन थी जो इस एक्ट के ऊपर नजर रखे हुए थी, या इसको रिव्यू करने के लिए, इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए कौन सी कमीशन थी वो सेटअप की गई थी? तो वो की गई थी भाई साचार कमीशन, साचार कमीशन। और ये कब सेटअप हुई थी? ये हुई थी भाई हमारी 1977 के अंदर। तो भाई ये इंपॉर्टेंट बनता है, सचार कमीशन आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इन इंडिया सेंसस इज हेल्ड रेगुलरली एवरी डैश ईयर। तो भाई भारत में कितने जो साल के बाद जनगणना होती है? तो भाई सबको पता है 10 साल के बाद होती है, 10 ईयर्स, ठीक है भाई। अच्छा ये पूछ लें लास्ट कब हुई थी? तो लास्ट हमारी हुई थी भाई 2011 के अंदर। और इंडिपेंडेंट भारत की कौन सी थी? ये सेवेंथ, सातवीं थी भाई, ठीक है। और जब से जनगणना भारत की शुरू हुई है उसके बाद से ये कौन सी थी? तो ये थी 15th, ठीक है भाई। अच्छा अब ये पूछ लें कि भारत में सबसे पहले जनगणना को लेके कौन आया भाई, किसने कॉन्सेप्ट दिया? तो किसने दिया? लॉर्ड मायो ने, लॉर्ड मायो ने कॉन्सेप्ट दिया था। और ये कब दिया था? ये दिया था 1872 के अंदर, ठीक है भाई। और 1872 के अंदर ही भारत में जनगणना शुरू हुई थी, लेकिन कंप्लीट फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुई थी? तो ये हुई थी भाई 1881 के अंदर, ठीक है भाई। ये ध्यान में रखना, अगर ये पूछ ले कि फर्स्ट कब हुई थी तो 1872, और ये पूछ ले पहली कंप्लीट कब हुई तो 1881, और ये पूछ ले कि इंडिपेंडेंट इंडिया की कब हुई थी तो ये हुई थी भाई हमारी 1951 के अंदर। तो ये चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है सेंसस से। और एक चीज और है कि भी सेंसस करवाता कौन है? तो सेंसस हमारे करते हैं रजिस्ट्रार जनरल और साथ में सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। तो भाई कितने परसेंट ऑक्सीजन एटमोस्फेयर में? एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज है 21%। और अगर बाकी गैसेज की पूछ ली जाए कितनी है, तो भाई नाइट्रोजन जो अबंडेंस में है, नाइट्रोजन कितनी है? 78% है। अगर अदर गैसेज की पूछ ली जाए तो वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 0.01%, ठीक है भाई। और पूछ ले आर्गन की, आर्गन की पूछ ले तो वो हो जाएगी 0.9%, ठीक है भाई। और कई बार क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड की पूछ लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.003% है, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट गैसेज हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, इनके अलावा और कोई गैस नहीं पूछता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा बी 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइड द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये तो फेवरेट केमिकल है भाई, किसी को भी उड़ाना हो, बेहोश करना हो, किडनैपर चकते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला है ये? ये होता है CHCl3, किसका? क्लोरोफॉर्म का,
क्लोरोफॉर्म रुमाल पे लगा के जो पुरानी हिंदी फिल्मों में सुनाते थे भाई क्लोरोफॉर्म है भाई ये, पर इसका यूज वो नहीं होता, इसका इंडस्ट्रियल यूज होता है। ठीक है, ये नहीं है कि भाई इसको, हाँ नाइन्टीज मिड नाइन्टीज में क्या करते थे, मिड नाइन्टीज में जो डॉक्टर्स थे इसको एज एनेस्थीसिया यूज करते थे, लेकिन जब इसके ऊपर रिसर्च हुई तो ये पता चला ये हमारे लीवर को किडनी को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाता है, तो इसको उसके बाद से एनेस्थीसिया यूज करना बैन कर दिया। तो क्लोरोफॉर्म का यूज क्या होता है, क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं किसमें, रेफ्रिजरेंट बनाने में, रेफ्रिजरेंट बनाने में किसका यूज होता है भाई, क्लोरोफॉर्म का यूज होता है, ये ध्यान में रखना। और केमिकल फॉर्मूला इसका है CHCl3। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ म्यूजिशियंस एंड देयर इंस्ट्रूमेंट इज इनकरेक्ट। तो भाई देखते हैं किसका किसका इनकरेक्ट है। तो भाई सबसे पहले दिया हुआ है के वैद्यनाथ, तो भाई के वैद्यनाथ यही गलत हो गया, जो के वैद्यनाथ जी हैं ये वोयलिन बजाते हैं, ये बजाते हैं वोयलिन। ठीक है भाई, तो उसके बाद उस्ताद विलायत खान सितार, ये भी सही है, पंडित राम नायर सारंगी और बिस्मिल्ला खान शहनाई बजाते हैं। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट नाम हमारे पास किन का आ जाता है, यहाँ पे डी आ जाता है, बिस्मिल्ला खान। ये एक ऐसे म्यूजिशियन हैं जिनको इंडिया के सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, चाहे आप कहाँ से शुरू कर लो, पद्म भूषण शुरू कर लो, पद्म विभूषण शुरू कर लो, भारत रत्न, तो इंडिया के जो चार इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो चारों के चारों उस्ताद बिस्मिल्ला खान को मिले हुए हैं। तो ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है कि कौन से ऐसे म्यूजिशियन हैं, क्लासिकल म्यूजिशियन, जिनको सारे के सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, तो उनका नाम हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्ला खान, और ये क्या बजाते हैं, शहनाई। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज, तो भारत का भाई कैग क्या है, 3 मेंबर बॉडी है, 6 मेंबर बॉडी है, सिंगल मेंबर बॉडी है, 2 मेंबर बॉडी है। तो भाई जो है ये है सिंगल मेंबर बॉडी है भाई, इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंगल मेंबर बॉडी। ठीक है भाई, और ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई सिंगल मेंबर बॉडी है, तो ये आता है आर्टिकल 148 में कि भाई देयर शुड बी ए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो क्या होगा, इंचार्ज होगा इंडिया के सारे ऑडिट का, जो इंडिया का जितना भी सरकार का एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू होगा उसका सारा ऑडिट कौन करेगा, कैग करेगा भाई। ठीक है, और हमारे फिलहाल कैग कौन है भाई, हमारे कैग हैं जीसी मुर्मू। ठीक है भाई, अच्छा कई बार ये पूछ लेता है कैग का टेन्योर कितना होता है, तो भाई 6 साल का होता है, 6 ईयर्स। एज कितनी होती है, 65 ईयर्स होती है भाई। अपॉइंट कौन करता है, प्रेजिडेंट करते हैं। ठीक है भाई, अच्छा और कैग से क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैग से ये सैलरीज, तो भाई जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सैलरी होती है वही सेम सैलरी कैग की होती है भाई। ठीक है, अच्छा और इम्पीचमेंट, तो भाई इम्पीचमेंट कौन कर सकते हैं, इनकी इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट कर सकते हैं, और सेम वही प्रोसीजर है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर लगता है। तो ये चीजें हमें कैग की ध्यान में रखनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो भाई अरुणाचल प्रदेश की स्टेट से कौन सी डांस फॉर्म है, तो भाई इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, भुइया। ठीक है भाई, और ये किस ट्राइब से रिलेटेड है, ये जो डांस है ये भी भुइया ट्राइब से ही रिलेटेड है। भुइया एक ट्राइब होती है, कहाँ पे भाई, ये होती है अरुणाचल प्रदेश में। ये क्या मानते हैं कि भाई हम भूमि से ही जन्मे हैं, माता से, भूमि माता से, और उसी की खुशी में ये क्या करते हैं, जो डांस करते हैं जिसको हम भुइया बोल देते हैं, भुइया ट्राइब का ही डांस है। अगर बाकी की बात करें जैसे ए है, दमन डांस है, तो ये कहाँ का है, ये भाई हिमाचल प्रदेश का डांस है। पनवारिया की बात करें तो भाई पनवारिया कहाँ का है, ये है बिहार का, आई के पान बनारस वाला, तो ये तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। और डी है गरबा, तो भाई गरबा कहाँ का होता है, गरबा है हमारा गुजरात का। ठीक है भाई, तो ये ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट अ सूडो कोलोमेट। तो भाई ये सूडो कोलोमेट का नाम आया, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ये कोलोमेट या सूडो कोलोमेट लिखा क्या हुआ है। तो भाई इसको एक्सप्लेन करने के लिए चलो हम पढ़ते हैं कोलोमेट। कोलोमेट ये क्या चीज होती है भाई, जैसे कि हम लोग इंसान हैं, तो क्या होता है जब हम कोई चीज पचाते हैं तो जो हमारा पेट होता है और जो बॉडी की आउटर स्किन होती है इसके बीच की एक लेयर होती है जिसके अंदर लिक्विड फिल्ड होता है। ठीक है, मान लो ये पेट है और ये हमारी आउटर स्किन है, तो इसके बीच में एक लेयर होती है, इसके अंदर क्या होता है थोड़ा थोड़ा सा जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो इस जेली टाइप स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं हम,
कोलोमेट बोल देते हैं भाई इसको, ठीक है। अब ये क्या होता है, इस जो जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना भाई, इसी के बीच में मेसोड्रम नाम की एक लेयर होती है, मेसोड्रम यहाँ पे प्रेजेंट होती है जहाँ से ये स्टार्ट होता है। ये हमारी गट की लेयर है, पेट की लेयर जिसके साथ खाना हजम होता है, उसके बाद ये, ठीक है, मेसोडेट की लेयर होती है और उसके बाद कोलोमेट की लेयर होती है, ठीक है। तो इस लेयर जो ये कोलोमेट लेयर है ना, इसी से डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स में ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कौन से आ जाते हैं, सबसे पहले हम बोल देते हैं कोलोमेट एनिमल्स, ठीक है, कोलोमेट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और दूसरा इसमें कौन से आ जाते हैं, दूसरे इसमें आ जाते हैं सूडो कोलोमेट, ठीक है भाई। और तीसरे इसमें कौन से आ जाते हैं, तीसरे आ जाते हैं इसमें एसोमेट, एसोमेट्स। तो भाई यहीं से लिया गया, इस कोलोमेट लेयर से ही ये सूडो कोलोमेट लिया गया है, ठीक है। तो सूडो कोलोमेट का मतलब क्या है, सूडो कोलोमेट का मतलब है कोलोमेट में ये लेयर प्रेजेंट होती है, सूडो कोलोमेट में ये प्रेजेंट नहीं होती, और एसोमेट में ये लेयर डबल हो जाती है, ठीक है। तो सूडो कोलोमेट का हमारा इसका आंसर हो जाएगा स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियंस, ठीक है भाई। तो स्कॉर्पियंस जो होते हैं उनके अंदर जो ये लेयर होती है, ये लेयर प्रेजेंट नहीं होती। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो भाई जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट है ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, तो ये लिया गया है हमारा लैटिन से। अब देखेंगे मोस्ट ऑफ द वर्ड जितने भी पॉलिटी हिस्ट्री में यूज किए जाते हैं ना, जो भारत से ना हो, तो वो ज्यादातर लैटिन से ही लिए जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ये देखते हैं। तो मेन्यू जो है इसका मतलब ये होता है बाय हैंड, ठीक है भाई। और जो स्क्रिप्ट, ये जो वर्ड लिया गया है स्क्रिप्ट, ये लिया गया है स्क्राइबर से, स्क्राइबर, ठीक है। तो स्क्राइबर का मतलब क्या होता है भाई, लिखने वाला, ठीक है, राइटर, ठीक है। तो भाई इसका मतलब क्या हो गया, हाथ से लिखने वाले को हम क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्राइबर, ठीक है। तो भाई इससे यहां से क्या बन गया अपना, मैन्यूस्क्रिप्ट बन गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैटिन। तो भाई ये थे आज के हमारे सारे के सारे जीएस के क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी कल मिलते हैं दोबारा से एक नया पेपर लेके। सो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड बाय।